हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं बाहर, और एक दो दिन के लिए नहीं, काफ़ी 5-7 दिन, 1 हफ्ता करीब के लिए जा रहे थे। और हम लोगों के पास सामान भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि हम लोगों को जाना था शादी में, तो इस वजह से शादी का सामान काफ़ी हो जाता है। फिर ठंड भी काफ़ी हो रही थी, तो उसमें गर्म कपड़ा ये वो सब मिला के 4 लोगों का कपड़ा काफ़ी हो जाता है। तो बस इसी तरह से काफ़ी सामान हो गया था हम लोग का। हम लोग को निकलना था 8 बजे, लेकिन हो गया कि 9 बज गया था। और बच्चों को तो घर पे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता, वो लोग तो हमेशा यही होता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही नाश्ता करेंगे, तो रास्ते में ही करते हैं। और तो हुआ ये कि सुबह का वक्त था, 9 तो यहीं घर से निकलते में बज गए थे। तो फिर हम लोग घर से निकलने के बाद फ़ौरन हम लोग ने पहले नाश्ता किया, फिर निकले। तो हम लोग एक होटल में नाश्ता करने आए हैं, और वहाँ पर हम लोग ने इडली लिया, और बड़ा बेटा उसने डोसा मंगवाया, तो बस उनका डोसा आ गया था। और फिर इन्होंने चाय कॉफ़ी लेके आए, और हम लोग ने चाय कॉफ़ी पी के फिर निकले हम लोग शहर से अपने। मेरी कज़िन है, उसकी बेटा बेटी दोनों की शादी है, और एक बेटा एक बेटी है, और पहला और आखिरी काम है उनके घर का, तो जाना भी ज़रूरी था। और जहाँ हमारा मायका है वहीं पर रही उसका घर भी है, तो अच्छा था कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से घर में भी रहना हो गया हमें अपने मायके में। हम लोग 1-2 घंटे आगे चलने के बाद फिर एक जगह रुक के चाय कॉफ़ी पिए और फिर निकले। खाना तो हमको घर में ही खाना था, और हम लोग पहुंच भी गए हैं अपने शहर में। और हुआ ये कि हम लोग का टाइम पहुंचे हैं 2 बजे था, 2 बज रहा था, और सब घर में वेट भी कर रहे थे। तो बस देखिए, हम लोगों का शहर पहुंच गया, और बहुत खुशी होती इस तरह। ये तीसरे नंबर की भाई है, उनकी बेटी है, और ये सबसे बड़े वाले भाई की बेटी है, और वो भाई जा रहे हैं थर्ड नंबर वाले। और हम लोग बस आज केक काट रहे थे, क्योंकि हुआ ये कि हमारे जो हस्बैंड है और हमारे भाई दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो उन्होंने हुआ ये था कि एक दिन पहले केक काटना था, लेकिन उन्होंने नहीं काटे कि हम लोग जब पहुंचेंगे तो सब दोनों एक साथ में केक काटेंगे। तो बस इनका और भाई का, दोनों का केक भाई ने ला के रखे थे, और वही काट रहा था। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Namu Puppalan. Happy birthday. Papa bol na bhul. दोनों एक दूसरे को खिला दो पहले। हाँ, ये चाकू तोड़ने कितने बोला था? वो टूटते ले रहा हूँ, फोटो कौन ले रहा है? अरे वीडियो ले रहा हूँ ना, मैंने पहले ही बोला। इधर देखना, इधर देखना, उधर भी लो। अक्सर वैसे भी जबान निकाल रही है। वीडियो है ना, ये फोटो नहीं है, सही वीडियो है। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और केक काटे, फिर नाश्ता वगैरह था, फिर नाश्ता मंगवाया था हम लोगों ने, सब ने बैठ के मिल के नाश्ता किया, और काफ़ी हंसी मज़ाक इस तरह से हम लोगों का बर्थडे वाला दिन बीता। और उसी दिन हम लोग पहुँचे थे जिस दिन ये केक कटा, उस दिन सुबह ही हम लोग 2 बजे पहुँचे थे, और शाम में फिर ये केक
केक कटिंग हुई। और दूसरे दिन हम लोगों को मिलाद में जाना था कज़िन के यहाँ, ये बड़ी भाभी हैं और इनके यहाँ नाश्ता था और ये नाश्ता बना रही थी और इसमें ये बड़े तल रही हैं, उड़द की दाल के बड़े हैं और काफ़ी टेस्टी बनाती हैं। और ये उनकी बेटी है और इस तरह से ये अयाज बैठे हुए हैं और ये बनाई है उन्होंने पोहा और ये खीर है और बड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार नाश्ता था और काफ़ी अच्छे से नाश्ता किया हम सब ने। और ठंड के वक्त तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो भी गरम गरम हो और नाश्ता करें तो मज़ा आ जाता है। नाश्ते में काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग जब जाते हैं तो, कि होता ये है कि तीन भाई हैं, सब एक ही घर में हैं, अलग अलग खाना वगैरह बनता है, कभी किसी के यहाँ खा लिए, कभी किसी के यहाँ, इस तरह से बिल्कुल टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। काफ़ी सब मिल के काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। और 8 दिन भी हम लोगों के लिए बहुत कम हो जाते हैं जब हम लोग सब एक साथ मिलते हैं तो लगता ऐसा है कि काफ़ी वक्त मिले और काफ़ी इंजॉय करें, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये तो टाइम था कि जो इस तरह से हम लोग सब एक साथ गुजारे। आज हमारी कज़िन है जो, उनके यहाँ अभी रात में मिलाद का प्रोग्राम है तो वहाँ जाना है हम लोगों को। और ये देखिए, हम लोग मिलाद तो हो चुकी थी और जेंट्स की मिलाद थी और उसके बाद ये गूजे बन रहे हैं, सब मिलके गूजे बना रहे हैं। और ये ब्लू दुपट्टा जो पहनी है वो हमारी सेकेंड नंबर की भाभी हैं और ये सब मिलके गूजे तैयार कर रही हैं। ये मेहंदी लगवा रहे हैं हम। और दूसरे दिन का है ये हुआ ये कि ये भतीजी है हमारी, सबसे बड़े वाले भाई है, उनकी बेटी है और काफ़ी अच्छा लगाती है, तो वही पूरा हमारे हाथों में मेहंदी लगाई। तो हमने कहा चले, हमें बहुत शौक़ है वैसे भी मेहंदी लगवाने का और लगाते भी हैं हम, थोड़ा अपने हाथ से जितना भी होता है बनता है, पहले लगाते थे, अब ऐसा है कि छूट जाता है, अब जाके बाहर लगवाते हैं या किसी और से लगवा लेते हैं। और ये कपड़े हैं जो, ये देखिए, ये मेहंदी लगाई है उनने और ये झड़ा लिए थे, 2-3 घंटे भर ही रखे हैं, काफ़ी अच्छी लगी है मेहंदी। और ये कपड़े हैं, ये कपड़े देने के हैं, जैसे अहीर कहते हैं ना जिनके यहाँ शादी होती है उनके यहाँ देते हैं जो, तो ये हमारी बहन है उसको देना है, ये बहनोई को देना है। और ये जो सूट है, एक और हमारी कज़िन आई हुई है इलाहाबाद से, तो उनको देना है, उनकी इद्दत हुई थी पूरी, उसके बाद में मिल रहे हैं पहली बार तो इसलिए देते हैं। और ये देखिए, ये कज़िन है जो, उनकी बेटी की मंगनी है तो उसका दस्तूर चल रहा है और स्टेज पे ये लोग सब बैठे हुए हैं और दस्तूर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो सब बैठे हुए हैं। और ये हॉल में ही किया था उन्होंने। और ये जो बैठी है पिंक कलर की, ये बिटिया है, उन्हीं की मम्मी है ये, मतलब हमारी कज़िन। और जो हमारे बाजू बैठी है वो भी हमारी कज़िन है इलाहाबाद से जो आई हुई है। और ये प्रोग्राम हो रहा है और ये शुरू होने वाला है, दस्तूर करेंगे ये लोग और फिर बेटी को ला रहे हैं दस्तूर के लिए मंगनी का, और अब उनके ससुराल वाले दस्तूर करेंगे तो बस उसे स्टेज पे लेके आए हैं।